In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum, dear students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus. Grade 2, Science. Unit number 7, Lesson number 1, Matter. Page number 79 till page number 80. Lecture number 2. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you. Please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Dear students, इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आप लोगों के पास आप लोगों की बुक्स होनी चाहिए, आपकी साइंस की क्लास वर्क और होमवर्क नोटबुक्स होनी चाहिए, आपका पेंसिल केस कंप्लीट होना चाहिए आपके पास, और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस टीचर की तरफ से दी जा रही हैं आप उनको गौर से सुने और उन्हें फॉलो करें. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर बुक पेज नंबर 79. राइट डेट एंड डे ऑन द टॉप इन द गिवन फॉर्मेट. Unit number 7, Matter. We will learn about group objects in this lecture. More ways to describe the objects. So we have discussed about the three states of matter, that are solid, liquid and gas. We can say that matter exists in three states. These can be solid, gaseous state and the liquid state of matter. Today we will discuss about the group objects, that how can we describe the objects in group or how we can classify the same objects in a same group. Group objects. Objects can feel different. For example, the wall feels smooth. Objects can be heavy or light. Weight is how heavy an object is. So in this lecture, we will discuss about the group objects. What are group objects? Objects can be feel different. Objects ek dusre se different mehsoos ho sakte hain, ek dusre se different nazar aa sakte hain. Agar hum ek wall ki example lein, ki ek wall jo hai, wo hume smooth feel hoti hai. Isi tarah agar hum दूसरे ऑब्जेक्ट्स की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट हैवी हो सकता है, कोई लाइट इन वेट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हार्ड हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट सॉफ्ट हो सकता है. सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंसेस एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स वी कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. इन दिस टॉपिक वी हैव अ डेफिनेशन अबाउट वेट, दैट वट इज वेट. वेट इज हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज. वेट का मतलब है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वज़न कितना है, यानी वो कितना हैवी है या कितना लाइट है, उसका जो वज़न है वो कितना वज़नी ऑब्जेक्ट है या कितना वो लाइट ऑब्जेक्ट है. हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट, इस बेस पे हम कहते हैं कि जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का इज हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज़, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उसकी हैवीनेस को डिस्क्राइब करता है, यानी वो ऑब्जेक्ट कितना वजनी है उसको हम कहते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट का वेट है. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अ पाइल ऑफ बुक्स, अ पाइल ऑफ बुक कैन बी हैवी. अ पाइल ऑफ बुक कैन बी हैवी. अब एक अगर बुक का हम पाइल लें तो वो हैवी होगा बनिस्बत एक अकेली किताब के. अगर हम एक सिंगल बुक का वेट करेंगे तो वो लाइटर होगा इन वेट. लेकिन अगर हम पाइल ऑफ बुक का वेट करें, यानी किताबों को जो है अगर हम बहुत सारी किताबों को लें और फिर उनका वज़न करें तो वो हैवी होंगी. तो इस बेस पे भी हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स कैन बी इन ग्रुप हाउ दे आर अलाइक. फॉर एग्जांपल, मार्बल्स कैन बी स्मॉल एंड राउंड, दे आर अलाइक. हम ऑब्जेक्ट्स को उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम मार्बल्स की बात करें तो मार्बल्स जो हैं वो राउंड इन शेप होते हैं और स्मॉल इन साइज़ होते हैं. तो अब अगर हम मार्बल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे मार्बल्स हमारे पास अगर हों तो वो सारे के सारे राउंड इन शेप होंगे और स्मॉल इन साइज़ होंगे. तो इस बेस पे भी हम उनको ग्रुप ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्रुप ऑब्जेक्ट्स
एंड मोर वेज टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लोट और सिंक. ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्लोट भी कर सकते हैं और सिंक भी कर सकते हैं, यानी कि वो तैर भी सकते हैं और वो पानी में निचली सतह पर बैठ भी सकते हैं, यानी कि या वो तैर सकते हैं पानी में या किसी भी लिक्विड स्टेट में, और या फिर वो उसमें डूब जाएंगे. उससे पहले हम लोग अगर पेज नंबर 79 पे अगर आप लोग देखें तो दो क्वेश्चंस हैं आपके पास जो कि ग्रुप ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट हैं. इससे पहले कि हम मोर वेज टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करें, हम पहले उन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास पेज नंबर 79 पे. लुक एट द बॉल्स, सर्कल द वन दैट हैज़ द ग्रेटेस्ट मैस. तो इसमें अब हमने उस बॉल को सर्कल करना है जिसका मैस ग्रेटेस्ट है. यहाँ पर तीन बॉल्स आपको दी गई हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो बॉल हमें यहाँ पे सबसे बड़े साइज में नजर आ रही है, इट विल बी द बॉल दैट हैव द ग्रेटेस्ट मैस. सो यू कैन सर्कल द लार्जेस्ट बॉल ऑन द पेज नंबर 79. ओके, नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 8. राइट 1, 2 एंड 3 टू ऑर्डर द बॉल्स फ्रॉम हैवी टू लाइट. अब हमने सबसे पहले देख लिया है, सर्कल किया है हमने उस ऑब्जेक्ट को जो सबसे ज़्यादा हैवी है. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि दैट वी हैव टू राइट 1, 2 एंड 3 टू ऑर्डर द बॉल्स फ्रॉम हैवी टू लाइट. यानी सबसे हैवी ऑब्जेक्ट को नंबर 1 देंगे, उससे जो थोड़ा लाइट इन वेट है उसको नंबर 2 देंगे, और जो उससे भी लाइटर है उसको नंबर 3 देंगे. तो अब यहाँ पे तीन बॉल्स हैं, सबसे बड़ी बॉल को हम नंबर 1 देंगे, उसके बाद जो वाइट कलर्ड बॉल है उसको हम नंबर 2 देंगे क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद लाइट ग्रीन बॉल से ज़्यादा हैवी है. और जो हमारे पास लास्ट बॉल है दैट इज़ इन लाइट ग्रीन और येलो शेड, सो वी कैन मार्क इट एज नंबर 3 क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन तीनों बॉल्स में. नाउ विल डिस्कस अबाउट द मोर वेज टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स. जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लोट और सिंक, यानी ऑब्जेक्ट्स या तो लिक्विड स्टेट में या जिस भी उन्हें सॉल्यूशन में डाला जा रहा है, या तो वो उसमें फ्लोट करेंगे या फिर वो उसमें सिंक हो जाएंगे यानी डूब जाएंगे. सो फ्लोट मीन्स टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ अ लिक्विड. तो फ्लोट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में प्लेस किया जाता है तो उसका उस ऊपरी सतह तक रहना उसको हम फ्लोट कहते हैं. यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बाउल में पानी है और उसमें हम एक कागज़ को हम प्लेस करते हैं तो वो जो कागज़ है वो उसके टॉप पे जो है वो फ्लोट करेगा, उसके टॉप पे मौजूद रहेगा. तो इसको हम कहते हैं फ्लोट. फ्लोट मीन्स टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ अ लिक्विड. सिंक मीन्स टू फॉल टू द बॉटम ऑफ अ लिक्विड. अब अगर हम सिंक की बात करें दैट व्हाट इज सिंक, तो सिंक का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो अगर वो उसके बॉटम तक चला जाए यानी वो ऊपर सतह पर फ्लोट ना करे तो उसको हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज सिंक. So now you can have a picture about floating and sinking objects. So some objects float on the upper surface and some objects that are heavy in weight sink into the liquid. So mostly जो lighter objects होते हैं वो float करेंगे और जो heavy objects होते हैं वो sink करेंगे. Now you can see on the page number 80, objects can float or sink. Float means to stay on the top of a liquid and sink means to fall to the bottom of a liquid. Lemonade is a liquid. अब यहाँ पे lemonade की example दी जा रही है जो कि basically एक liquid है. The ice cubes float in the lemonade. As lemonade is a liquid, so ice cubes are lighter in weight, so they can float on the top surface. Objects can be different temperatures. Okay, objects जो हैं वो different temperature पे different behave कर सकते हैं. The lemonade is cold. People use different materials to make objects. अब lemonade जो है basically it is a liquid, it is a drinking liquid and it is cold. And people use different material to make objects. और लोग different तरह के materials को use करते हैं ताकि objects को बनाया जा सके. For example, we can use plastic material. We can use mud or we can use wood to make objects. We can use different materials to make objects. The oven is a metal and the timer is a plastic. So if we discuss about an oven, so oven is made up of metal, that is a hard metallic material, and the timer is of plastic.
Lemonade is a liquid and the ice cube float in the lemonade. The lemonade is cold and people use different materials to make different objects. As I have discussed that people can make different objects with the help of different materials. For example, wood, metal or plastic. Look at the picture and circle something that sings. So now you can have to look at the picture on your page number 80 and you have to mark the and you have to circle the something that sings. So now you can look at the picture and the second option is that mark, tick, something objects, something people made out of plastic. Now you have to mark a tick on the object that is made up of plastic and cross out something that is hot. Okay students, now we can solve it. We have a jug having lemonade and we can circle the content that is at the bottom of the liquid. So that is sink. And the object that is made up of, that is basically made up of plastic. We have a bowl that is made up of plastic. And the object that is basically hot or the material that is hot is in this plastic bowl. So we can cross out that is hot in this picture. Okay students, now you have a homework. You have to learn all the important points of this lecture. You have to learn the definition of float, sink, and you have to think about the group objects that can be grouped. And you have to learn all these important points and learn your bookwork questions. Okay students, this is end of the lesson. Allow